भजन करने वाले भगवान के दिल में रहते हो, भले मुंह से ही करो लेकिन पाप मत करो। पाप रहित भजन करो भले मुंह से करो। अपराध रहित भजन करो परंतु मुंह से करो, भले मुंह से करो लेकिन उन निष्पाप होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। और अगर कोई कहता है मैं बहुत बड़ा पापी हूं तो भी कृष्ण कहते हैं अपिचेदु सुदुराचार हुआ, आ जाओ तुम मेरी शरण में, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़वा दूंगा। इसलिए ये जो श्लोक है बड़ा अद्भुत है। और कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का वंदन, कृष्ण का पूजन, कृष्ण के दर्शन, ये सब मंगल करता है। चाहे आप दुर्मति हरण, आपकी दुर्मति भगवान का नाम हर लेता है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है, वो आपने सुनी भी होगी। एक चोर था। अब आप कहेंगे एक चोर क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक दो ही चोर हुआ करते थे। अब तो हम इस मामले में क्या हो गए उसको क्या बोलेंगे, नहीं खुद पे डिपेंड हो गए हैं चोरी के मामले में। अब तो भगवान की दया है, बहुत सारे चोर हैं इस समय। तो पहले एक दो होते थे, उस जमाने की बात है, एक दो चोर होते थे, बड़ी मुश्किल से चोर मिलते थे, ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। अब तो जहां देखो। तो वो चोर चोरी करके भागा, पुलिस उसके पीछे थी। भागते भागते भागते, मैं फिर कहता हूं हो सकता है किसी कारणवश संसार के कानून से बच भी जाओ लेकिन ऊपर वाले के कानून से नहीं बच पाओगे, ये याद रखना। यहां तो कुछ ले दे के भी छूट जाता है इंसान, वहां क्या करोगे? वहां तो एक ही रास्ता है, छूटत नाही कोट लखवाही नाम जपतते। मैं गुरु ग्रंथ जी महाराज की ये साक्षी देता हूं। और भागते 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 एक संत की कुटिया में चला गया। वहां भागवत की कथा, दसवां स्कंद की कथा चल रही थी। जैसे आप सब भाग्यशाली वैष्णव, ये माताएं बहनें ये सज्जन सारे भाग्यशाली हैं जो ये सब सुन रहे हैं। याद रखना जब कहीं जगह नहीं मिलती है तो महापुरुषों का ही दर ऐसा होता है जो शरणागति दे देता है। ईश्वर का दर ही ऐसा होता है जहां मनुष्य जाकर शांति का अनुभव करता है। ऐसे उस समय भाग्यशाली वैष्णव सारी भागवत की कथा सुन रहे थे, चोर उनके साथ बैठ गया। और कहते ने संत गुरबाणी है, संत के साथ बोलो ना, संत के साथ निंदक भी तरे, संत के साथ निंदक भी तरे, ऐसे संतों ने कहा। संत के साथ निंदक भी तरे, साधु का महापुरुष का संग किया तो बुरे लोगों का भी हो जाता है। संत के साथ निंदक भी तरे, ये सुना होगा आपने, अब तो सुना होगा। इसलिए वो चोर बैठ गया। यहां तो कोई चोर नहीं है, यहां तो सभी अच्छे लोग हैं। हाँ एक चोर है जो दिल को चुराता है, वो भी थोड़ी देर में दर्शन देगा। एक ही है चित चोर। हाँ गोपियों ने एक दिन कृष्ण से कहा ये मक्खन चोरी करते करते दिल कब से चुराने लग गई श्याम सुंदर। और वाकई उसने आप लोगों को आपके पाप चोरी किए, पाप हरे, तभी तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग पवित्र होते जा रहे हो, तभी तो हरि कथा में बैठे हो, कृष्ण कथा में बैठे हो, हरि गुण गा रहे हो, कृष्ण गुण गा रहे हो, यशोगान कर रहे हो कृष्ण का जो भागवत का है। क्योंकि ये संसार
संसार देखते भी अंधा है, इसलिए इस पे भरोसा नहीं करना। संसार देखते अंधा है और कृष्ण भले आपको ना देखे दिखे तो भी वो आपको देख रहा है, आप पे कृपा कर रहा है। संसार के देखो ना कैसे सवाल, एक बहुत मोटी माई, कम से कम 250 किलो की, किसी के पांव पे पांव रख दे और वो भी हिल वाला चप्पल हो, और फिर पूछे बेटा लगा तो नहीं, कैसा सवाल है, कैसा सवाल लगेगा। तो 250 किलो की माई हिल वाला चप्पल पहन के किसी के पांव पे पांव रख दे और पूछे लगा तो नहीं, नहीं लगा, नहीं बिल्कुल नहीं लगा, आप फूल जैसी हैं, क्या लगना था, कैसा अजीब सवाल लगेगा। या आप फिल्म देखने गए हो और आप सिनेमा की टिकट की लाइन में खड़े हो और कोई आपका परिचय था आपसे पूछे क्यों आप भी फिल्म देखने आए हो, नहीं किसी की पगड़ियों में आए, यहाँ हो रही ना स्क्रीन नंबर 2 में पगड़ियाँ 5 से 5:30 बजे, कैसा अजीब सवाल लगता। वो देख रहा है कि लाइन में लगा, फिर बोले तू भी पिक्चर डिसन आई है ना, पगड़ियों में आई हम इतने स्क्रीन नंबर 2 में पगड़ियाँ आए और कड़ा प्रसाद के बदले पॉपकॉर्न बटेंगे, कैसे अजीब सवाल पूछते, देखते हुए भी अंधे। हॉस्पिटल में जाओ तो पूछेंगे क्यों तुम दवाई लेने आए, नहीं यहाँ क्या है A1 स्वीट। तो ये देखते हुए भी अंधा है संसार, लेकिन भगवान ना आपको दिखे फिर भी वो आपको देख रहा है, आप पे कृपा बरसा रहा है। इसलिए कहा जगन्नाथ जी की अद्भुत विग्रह है, उनमें पलके नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो अपने भक्तों को 24 घंटे दर्शन कृपा दृष्टि बरसा देते। आप जगन्नाथ के सामने खड़े हो जाओ मतलब आप पे कृपा हो रही है, आप पे कृपा हो रही है, मतलब भले आपको अनुभव हो ना हो। अच्छा आप कहेंगे हमें कैसे पता पड़े कृपा हो रही है, आज भजन किया इसकी कृपा, मतलब कल भी भजन करोगे ये कृपा हो गई, आज दर्शन किया मतलब कल भी आपको मौका मिला ये कृपा हो गई। कृपा का ये मतलब थोड़ी आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए तो डाकुओं के पास भी होते, स्मगलरों के पास भी होते, डॉन के पास भी होते। कृपा का मतलब और भजन और कीर्तन और सत्संग और दर्शन। तो वो चोर बात हो रही थी कि आप किसी भी नियत से भगवान का भजन करो आपको सत बुद्धि जरूर मिलेगी, आप निष्पाप हो जाओगे। इसलिए वो चोर चोरी करके भागा और जाके सत्संग में छुप गया। अब जरूरी नहीं है कि सब लोग हरि कथा सुनने ही आए, कोई टाइम पास करने भी आता है, कोई घर से बेजार होता चलो बोलता वहां बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, घर वालों की कट 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 सुनने से बच जाएंगे। हर एक अलग अलग भाव से आता है, चोर बैठ गया और संत सत्संग कर रहे थे लेकिन उसका मन लग नहीं रहा था, और मन लगे भी कैसे, तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सहाय, पूर्व के पाप के द्वारा मनुष्य को हरि कथा अच्छी लगती नहीं है, नहीं अच्छी लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी हरि कथा, नहीं है क्योंकि उसके पाप कर्म ऐसा करने से उसे रोक देते, और अगर वो सत्संग में आ भी जाता है तो ज्यादा दिन देर बैठेगा नहीं, भाग जाएगा। जैसे कोई शरारती बच्चा अपनी माँ के साथ आ जाए और माँ बैठना भी चाहती है तो बच्चा इतना शरारत करता है कि उसको अंत में बेचारी को उठ के, ऐसे पाप कर्म हमें उठा देते हैं, वो हमें गुद 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 उठ चल उठ चल उठ चल उठ चल, अंत में हम उठ ही जाते हैं,
ये आप जो बैठे हो ने, ये हरि कृपा से बैठे हो, ये वो कृपा बरस रही तभी हम बैठे हैं। और तभी भले आधा घंटा पौना घंटा ही हमारा मन कथा में लग जाता है, सुनते हैं। और ये क्या है, ये गुरु कृपा है। तो वो चोर बैठ गया, कथा सुनने लगा, कृष्ण कथा सुनने लगा। अंत में महापुरुष ने कहा वहां वृंदावन में, श्री वृंदावन राधे राधे। वृंदावन का नाम सुनते कानों में घंटी बजती है। आज भी लोगों की यही इच्छा है, जीवन का है सपना वृंदावन में घर हो अपना। जीवन का हो सपना वृंदावन में घर हो अपना। तो ऐसे एक तसल्ली होती कि चलो उस वृंदावन में नहीं, इस वृंदावन में जगह मिली, यहां मिली है तो वहां भी मिल ही जाएगी, उम्मीद तो है। तो आप कहोगे हमें, तो आपको भी तो यहां मिली है, 200 फीट नहीं, 1 फीट की जगह ही मिली तो है, दो नहीं, कई लोगों ने तो 3 फीट भी जगह घेरी होगी। तो मिली तो है, यहां मिली तो उम्मीद है वहां भी मिलेगी, क्योंकि आज भी तेरा आसरा आप ही से उम्मीद है श्याम सुंदर। ये तो राधा रानी है, स्वामिनी वहां की। आदमी भी अपने दोस्त को घरों में कब लाता है, जब उसकी घरवाली एग्री होती है, नहीं तो कहेगी ये अपने दोस्तों को बाहर ही रखो, घर में लाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में लाने की जरूरत नहीं है, अपने फ्रेंड्स को बाहर ही रखो। तो ये राधा रानी की अनुमति है कि कोई श्री धाम वृंदावन जाता है, ये राधा रानी की अनुमति है। मैं सही कह रहा हूं, श्री धाम वृंदावन जाना बड़े भाग्य होते हैं, बड़े भाग्य होते हैं कि कोई वृंदावन जाता है। वृंदावन की एक रात के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, महात्मा तरसते हैं, शंकर आदि वहां, हाँ पूरे ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ का एक ही मंदिर है जहां वो स्त्री बन के घूमते हैं, जमुना के किनारे बहुत सारी गायों के बीच एक सांवला सलोना बालक अपनी लीलाएं करता है। चोर ने कहा इन चीजों से मुझे क्या लेना देना, अब सांवला हो या गोरा हो मेरे किस काम का। तब महात्मा ने कहा उस बालक के ताज में, मुकुट में अनमोल हीरे लगे पड़े हैं और गले में वैजंती है जिसका एक एक मोती का कोई मोल संसार में नहीं है, बहुमूल्य है। चोर के कान खड़े हो गए और ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि इंसान हरी कथा भी अपने मतलब से सुनते हैं, जहां मतलब है। अगर इस आश्रम में मतलब की बातें हो तो रोड तुक बाद लोग लाइन लगाएंगे। सिर्फ आप ये उल्लासनगर में बात फैला दो कि हमारे जो बापू हैं वो पानी पढ़ के देते हैं, और पानी जो भी पिए सबकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिसकी शादी नहीं होती है वो पानी पिए जल्द शादी हो जाएगी, जिनके यहाँ बालक नहीं होता है वो पानी पिए तो उनके यहाँ बच्चा हो जाता है, जिनके झगड़े चलते घर में पानी पिए तो घर में पानी छिड़क दे तो झगड़े मिट जाएंगे। अब आप किसी न किसी को इस तरह से बातें करके लाओ तो दर्द तकलीफ तो सबको है, मरता क्या ना करता, यहाँ लाइन लग जाएगी। उनमें से 5-25 को तो फायदा तुक्का लग ही जाएगा, अब तुक्का लगेगा वो 500 को पकड़ के लाएंगे, रोज यहाँ लाइन लगेगी। अपने आश्रम के बाहर वड़ा पाव नहीं, वहाँ पानी के स्टॉल लगेंगे और मेरा नाम पड़ जाएगा बाबा पानी वाला,
जब मैं चलूंगा तो लोग बोलेंगे बोल पानी वारे साईं जी, ऐसे लोग मेरे नाम की जय जयकार करते हैं, पानी वारे साईं जी। मैं उठूंगा तो ये बोलेंगे, मैं बैठूंगा तो ये बोलेंगे, मैं चलूंगा तो ये बोलेंगे, मैं लेटूंगा तो ये बोलेंगे, मैं सोऊंगा तो ये बोलेंगे, इवन मैं बाथरूम जाएंगे तो भी ये बाहर खड़े होके बोलेंगे बोल पानी वारे साईं जी जय। बाबो पानी वारो आयो तहां जा कष्ट कटंदो, दुखड़ा कटंदो, सुखड़ा है क्या बोलेंगे दिंदो, दुखड़ा कटंदो सुखड़ा दिंदो। और मेरे पास लाइन लगेगी पानी पड़ने की, लोगों को आज ये सब चाहिए, ये सब चाहिए। जहां मतलब की बात है वहां वो भागते हैं, लेकिन जहां मोक्ष की बात है वो उनकी समझ से परे है, क्योंकि अभी मोक्ष तो कल है, मतलब आज है, मतलब निकले मोक्ष कल देखेंगे। जिसकी शादी नहीं होती है शादी करवा देंगे, जिनके तलाक नहीं होता है उनकी, और मुझे लगता है शादी से ज्यादा तलाक वालों की लाइन होगी। और जब मतलब निकल जाता है तो मंदिर आना ही छोड़ देता है। मैंने ऐसे कई माताओं को देखा है कि पति से झगड़ा हुआ तो मीराबाई बन गई, सत्संग में बैठी बैठी रोएगी। अब वो पति के लिए रोएगी या कृष्ण के लिए, डेट इज डिफरेंट थिंग, रोएगी ऐसे वैराग त्याग की मूर्ति, और 5 मिनट पहले आके बैठ जाएगी। मैं समझ जाता हूँ इसके साथ कुछ 19-20